फ़तीन शायरा है और नहाय तीखी औरत है फिक्रेबाज़ी में कोई बड़े से बड़ा मिरासी भी उसके सामने नहीं ठहर सकता उसकी कमजोरी यह है कि कोई चुपता सा फिक्रा नाजिल हो जाए तो उससे रोके नहीं रुकता वो बेसाख्ता उगल देगी खास उसकी जदत खुद उस पर ही क्यों ना पड़ती हो है इसमें उसकी कुछ कोशिश का भी दखल हो मुझे यूं लगता है जैसे तरह बरमला आजादाना किरदार भी अदा करती है कि मर्द औरत की ये फर्जी और मसनू हदबंदियां टूट जाए मर्द मर्द से सारे मदाक कर सकता है तो औरत मर्द से क्यों नहीं कर सकती मर्द औरत पर चोट कर सकता है तो औरत को इसकी इजाजत क्यों नहीं किश्वर तीन प्यारे बच्चों की माँ है और एक इकलौते मासूम और मजलूम शख्स की बीवी है ये उसकी खुश है कि उसे यूसुफ कामरान जैसा कोऑपरेटिव किस्म का शोहर मिला है जो ख़ुद इतना रोशन ख्याल और वसी नज़र है कि उसके बेपाया जरफ़ को देख कर दुरुद पढ़ने को जी चाहता है वो किशवर की कमजोरियों, खूबियों आवारगियों और गुस्ताखियों पर सिर्फ मुस्करा देता है एक दायमी मुस्कुराहट जो उसके दिलकश खदोखाल का हिस्सा बन चुकी है उसने जितनी हसिन और जमील सूरत पाई है उतनी ही मनमोहनी सीरत भी रखता है वो एक दूसरे को सही मायनों में जीवन साथी समझते हैं एक दूसरे के एहसास को समझते हैं और उन्हें एक दूसरे के जज्बात के एहतराम की बुनियादों पर खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की सादत हासिल है इस तरह मैं उन्हें पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा खुश नसीब जोड़ा समझता हूँ जो गिरस्ती की मिसाली ज़िंदगी की अलामत बन चुका है एक दफ़ा एक दोस्त कहने लगे अगर किश्वर जैसी बाशूर खातून के पल्ले कोई रिवायती कस्म का शौर बांध दिया जाता तो ना जाने बेचारी का क्या अशर होता मैंने मुस्कुरा कर कहा यूं कहो शौर बेचारे का ना जाने क्या अशर होता किश्वर को तुम नहीं जानते वो औरत नहीं चटान है उससे जो भी टकराएगा ख़ुद रेजा रेजा हो जाएगा उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो अपनी ज़बान की नोक से बड़े बड़ों की फूंक निकाल देती है और अपने कलम के डसे को पानी मांगने की मोहलत नहीं देती ये उसकी ज़िंदगी का एक रुख है जो कमीने और कमज़रफ मुखालफ के लिए है दूसरा रुख यह है कि दोस्तों के लिए सरापा मामता बन जाती है उन्हें देखते ही उसके शरीर चेहरे पर शफक़त महब्बत और प्यार के शगुफ़े फूट पड़ते हैं किश्वर की आज़ादी ख्याल और अजहार का जो खाका मैंने पेश किया है उससे पैदा होने वाली गलत फहमी के इज़ाले के लिए मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि किश्वर के अंदर औरत जिंदा है वो बच्चों को वाले आना चाहती है यूसुफ़ से जुल्हा की तरह दिल की गहराइयों से प्यार करती है अपनी दफ्तरी जिम्मेदारियों के साथ साथ एक सुघड़ बीवी की तरह घरेलू कामों में पूरी दिलचस्पी लेती है मेहमानों के लिए अपने हाथ से खाने तैयार करती है उसने अपनी हुनरमंदी से अपने घर को ऐसी छोटी सी जन्नत बना रखा है जिसके दरवाज़े सिवाय गमों अंदो के हमा वक्त सब पर खुले रहते हैं किश्वर एक साहिब तर्ज बुलंद पाया शायरा और नए तर्ज़ एहसास की अदीबा के अलावा एक अच्छी इंसान भी है उसकी शख्सियत में वो सारे रंग सारी खुशबुएं जमा हो गई हैं जो एक बेहतर इंसान का तुर्रा इम्तियाज़ हैं वो दोस्तों में बैठकर फलक शगाफ़ कह कह लगाती हैं तो यूँ लगता है जैसे उसे दुनिया में कोई गम नहीं जैसे वो सिर्फ चहचाने के लिए पैदा हुई है लेकिन ऐसा नहीं है वो साथियों के ग़मों और दुखों में शरीक होती है मेहनत कशों की बदहाली पर कुड़ती है अपने वतन अजीज के दिगर हालात पर तड़प उठती है वो एक हसास ख़ातून है दुनिया के किसी कोने में जुल्म जब्र इस्तेसाल पर और साम्राज्य क़वतों की चीरा दस्तियों पर उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है मुल्क की गैर यकीनी वाक़ पर उसकी आँखों में खून उतर आता है वो पागलों की तरह जज्बाती होकर तल और तरश लहजे में बोलती है और फिर बोलती ही चली जाती है उन दिनों वो यूं सोगवाल लगती है जैसे खुदा ना करे उसके ख़ानदान पर कोई बिपता आन पड़ी हो वो चहकती महकती चिड़िया इतनी परेशान इतनी उदास नज़र आती है कि उसे देख कर वहशत होने लगती है उसे अपनी धरती से इश्क है उसके ज़ख़मों को वो अपनी खूबसूरत पलकों से साफ करती है उन जख्मों पर अपने खून दिल का मरहम लगाती है वो उसे अपने खून से सेंचती है और उस दिन के इंतज़ार में बेकरार है जब उसके सुनहरे रो पहले ख़्वाबों की सरजमीन बहारों से हमकनार होगी हर तरफ हरियाली लहराएगी फूल खिलेंगे इंसाफ की हवाएं चलेंगी खुशहाली की खुशबुएं रक्स करेंगी बेदारी की बरखा बरसेगी अमन आतशी के नगमे गूंजेंगे और ज़िंदगी एक महानवी सरशारी के साथ खरामा खरामा नजर आएगी जब किश्वर के एहसास पर चोट पड़ती है तो उसका इस तरह दीदनी होता है उन लमाज में अगर उसकी अजली और अबदी रिजाइत और जबली शोखी और शरारत उसे पनाना ना दे तो वो चटख कर रह जाए अपनी बेशुमार दोस्तों की इस अकलौती गर्लफ्रेंड के लिए हर दिल से यही दुआ निकलती है कि वो सदा हरी भरी और शादाब रहे हमेशा यूं ही कह कह बिखेरती मुस्कुराती लहलहाती रहे कि उसके इस सदा बहार रूप का नाम किशव है दूसरा कोई रूप भी उस पर नहीं भपता खा वो कितना ही मकसदी क्यों ना हो शुक्रिया